आज 25 नवंबर 2023 भारत में शनिवार है। टुडे इज 25 नवंबर 2023 एंड इट्स सैटरडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य, स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली में पांच छह शब्द है जिसके ऊपर पूरी मुरली आती है, बहुत सुंदर है। जैसे हम ज्ञान में आगे बढ़ते हैं, मास्टर की स्टेज कैसे आती है कि एक ग्लांस में, एक दृष्टि में पूरी मुरली याद हो जाती है। यह हर एक बाबा का बच्चा नंबर वार अनुभव करेगा। और जो पॉइंट नशा देती है वो बुद्धि में स्थिर होने लगती है। हम सब बाबा के बच्चे ये अनुभव करेंगे नंबर वार। तो आज के मुरली के मेन पॉइंट्स है ज्ञान की टिकलू टिकलू करना, नंबर वन। दूसरी पॉइंट है अपनी घोट तो नशा चढ़े। तीसरी पॉइंट है माया घोस्ट। चौथी पॉइंट है रूप बसंत और शिव शासक। और पांचवी पॉइंट है शांति दूत। ये पांच पॉइंट में पूरी मुरली है। आप चाहो तो छठी पॉइंट ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आज बाबा ने 3 बार कहा है कि बाबा को कौन सा गीत बहुत पसंद है। लौकिक में मनुष्य आत्माओं को भी कई सारे गीत पसंद होते हैं। भगवान का सबसे प्यारा गीत कौन सा है? तो भगवान का, गॉड, अल्लाह, ईश्वर का सबसे प्यारा गीत है ओम नमः शिवाय, जिसमें परमात्मा की महिमा आई है, मात पिता है। हमने पहले भी देखा भारत एक ही देश है पूरे विश्व में जहां भगवान को मात पिता कहते हैं, और किसी भी देश में भगवान को मात पिता नहीं कहते हैं। तो ये बड़ी बात है। और इस गीत में स्पष्ट रूप से आया है कि भगवान मात पिता है, और ऐसे परमात्मा को मैं नमन करता हूँ। हमारे मुस्लिम भाई बहने कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे श्रेष्ठ है, उसके ऊपर कोई नहीं है। ये भी परमात्मा की ही महिमा है, सिर्फ नाम अलग है लेकिन है शिव बाबा की महिमा की, उसके ऊपर कोई नहीं है। और हमारे क्रिश्चियन भाई बहने कहते हैं कि हेवनली गॉडफादर, ऐसा गॉडफादर जो हमको हेवन में लेके जाता है। तो सभी धर्मों में उसकी महिमा आई है। प्रमुख धर्म जो है ये परमात्मा की महिमा है। तो ऐसा महान ईश्वर, कल की मुरली में मैंने जो 10वें अध्याय का 3रा श्लोक बताया, बहुत भाई बहनों ने उसके ऊपर चिंतन किया, अच्छा लगा। कई लोग तो उसको बायट कर रहे हैं। मुझे बहुत लोग प्रश्न पूछ रहे कि आपने डिप्लोमा भगवद गीता का बताया था, उसका क्या हुआ? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एजुकेशन विंग का डिस्टेंस एजुकेशन प्रोग्राम है, और ये डिप्लोमा का एडमिशन चालू हो गया है। दिसंबर लास्ट डेट है, दिसंबर 30। तो उसके पहले आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं। 1 साल का डिप्लोमा है, और इसमें विशेष ऐसे 40 श्लोक सिलेक्ट किए हैं पूर्ण भगवद गीता से, 70 में से 40, जिससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो जाए कि परमात्मा, गॉड, अल्लाह, ईश्वर क्या चाहता है, वो कौन है, कब आता है, कब जाता है, हम कौन है। जो हमारी आदरणीय दादी जानकी बहुत नशे से कहती थी, आप देखो दादी जानकी, वैसे तो बोलना नहीं चाहिए लेकिन लौकिक पढ़ाई के हिसाब से 3री कक्षा पढ़ी हुई थी,
लेकिन अच्छे अच्छे बुद्धिमान वर्ल्ड के बेस्ट साइंटिस्ट उनके विचार सुनने के लिए आते थे। तो स्कूल कॉलेज की पढ़ाई से ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पढ़ाई है। बहुत लोगों को अपने पढ़ाई का अहंकार भी होता है कि मैंने इतने सारे डिग्री लिए हैं, मेरे पास इतनी डिग्री है। साउथ में एक भाई है, उसके पास कुछ 50-60 डिग्री है। हर साल में कोई वो डिप्लोमा कर लेता है, अभी भी पढ़ रहा है, 50 के ऊपर गया है। महाराष्ट्र में एक पॉलिटिशियन हो के गए थे, वो बहुत फेमस है, उनका नाम है श्रीकांत जिचकर। वो तो व्यक्ति ऐसा मैंने देखा नहीं था कि मेडिकल की पढ़ाई भी किया, MD किया, उसके बाद IAS भी किया, IPS भी किया। उनका भी नाम है कि बहुत सारी डिग्रियां उनके पास थे, कम उम्र में उनका शरीर छूटा। तो डिग्रियां बहुत लेते हैं लोग, लेकिन व्हाट इज द प्रूफ दैट यू हैव अ नॉलेज? इन्फॉर्मेशन और ज्ञान में फर्क करते हैं कुछ लोग, जानकारी और ज्ञान। हम जो स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं वो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड। ज्ञान तो अंदर से बाहर आता है। इन्फॉर्मेशन बहुत है, पर इज दैट इन्फॉर्मेशन हेल्पिंग यू? मैंने तो देखा है, अभी ये IIT सबसे नामी ग्रामी संस्था है, होती है IIT, हर एक लड़का IIT जाना चाहता है, या डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करना चाहता है, करते भी है ये लोग और होते भी है, ये आउट ऑफ द वे होते हैं। मैंने तो 2 साल IIT में सेवा दी है, IIT मुंबई में, तो इनको बहुत नज़दीक से देखा है। रात को 2 बजे आ जाएंगे दवाई लेने के लिए, और 2 बजे तक लैब में काम कर रहे होते हैं। तो बहुत डेडिकेटेड कमिटेड होते हैं। इनका IQ बहुत अच्छा होता है, IQ माना इंटेलिजेंट क्वोशंट, बुद्धि अंक कहते हैं। लेकिन ये लोग EQ में और SQ में थोड़ा कमज़ोर पड़ते हैं, इसलिए आत्महत्या कर लेते हैं। तो मैं कभी कभी सोचता हूँ, इतनी सारी पढ़ाई ली है, डिग्री लिया, तो सुसाइड क्यों कर रहे हैं? माना आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन वो नॉलेज का फायदा क्या है अगर आप जीवन की परिस्थितियों में हार खा लेते हो? सो व्हाट इज द यूज ऑफ दिस नॉलेज, सो कॉल्ड नॉलेज? तो कौन सा ऐसा ज्ञान है जिससे हमारी गति सदगति हो जाए? ये आइंस्टाइन कहता था कि आई वॉन्ट टू नो थॉट्स ऑफ गॉड, रेस्ट आर डिटेल्स। आइंस्टाइन जैसा मिलेनियम साइंटिस्ट जिसने विश्व को E इज इक्वल टू MC² इक्वेशन दिया, वो खुद कह रहा है कि मैं भगवान के विचार जानना चाहता हूँ, बाकी सब मेरे लिए डिटेल है। तो वो आध्यात्मिकता की पढ़ाई करने के लिए भारत में आए थे, उन्होंने भगवद गीता भी पढ़ी हुई है, और उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर के साथ इसके ऊपर डिस्कशन किया है, आध्यात्मिकता के ऊपर। तो सभी लोगों को भारत में आना है, धर्म स्थापकों को भी आना है। बाबा ने कहा इब्राहिम, जीसस क्राइस्ट के बारे में कहते हैं अभी बेगर रूप में घूम रहा है, तो इन सबको आना है। और बाबा ने बहनों को इसका साक्षात्कार भी कराया कि कैसे बड़े बड़े धर्म स्थापक भी भारत में आना पड़ता है, ये साइंटिस्ट भी भारत में आके खोज कर रहे हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट, इवन नासा के साइंटिस्ट, आप सोचो, वो संस्कृत की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, भारत में संस्कृत नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ये लोग क्यों संस्कृत सीख रहे हैं? जर्मनी में कितने कंट्रीज में स्कूल में संस्कृत सब्जेक्ट है, बड़े बड़े साइंटिस्ट संस्कृत क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि भारत के शास्त्रों में बहुत सारे राज समाये हुए हैं, सीक्रेट्स है, और हमको वो राज अगर समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि संस्कृत के एक शब्द का अर्थ अलग अलग लिया जा सकता है और उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है। जैसे परमात्मा अनंत है, अभी अनंत है इसका अर्थ क्या है? तो कुछ लोग भक्ति मार्ग में लेते हैं, अनंत माना वो कण कण में है, अभी ये अर्थ है या उसकी शक्ति या अनंत है? तो आपने इंटरप्रेट किया, अर्थ गलत निकला, तो पूरा भाव बदल जाता है, पूरा झगड़ा इसके ऊपर ही है। तो ये साइंटिस्ट संस्कृत सीख रहे हैं क्योंकि भारत के शास्त्र है, महाभारत है,
या उपनिषद है, वेद है, ये भगवद गीता है, ये सब संस्कृत में है, तो संस्कृत सीख रहे हैं और उनको रास पता चल रहा है। आप सोचो कितनी सारी बातें मैं सुना सकता, पर कब, लेट्स कम टू द पॉइंट। पॉइंट ये है कि आप इतनी डिग्रियां लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जीवन में एक छोटी सी परिस्थिति आती है जिसमें आपको फेल्योर आता है, पढ़ाई में फेल्योर आता है, या रिलेशनशिप्स में फेल्योर आता है, या बिजनेस में फेल्योर आ जाता है, या कोविड जैसी समस्या आ जाती है, और आप हार खा लेते हैं और बोलते हैं आई क्विट, मैं हार मान रहा हूँ, जिंदगी क्या आ गया, इसलिए मैं अपने जीवन को खत्म कर रहा हूँ। अभी एक नया ट्रेंड आ रहा है, मैंने काफी समय हो गया, पहले तो इंडिविजुअल सुसाइड करते थे, एक व्यक्ति आत्महत्या करता था, अभी ग्रुप सुसाइड होती है। मैं मेरे सेशन में इसके ऊपर सुनाता हूँ कि ये सब सुसाइड को, मेजॉरिटी को हम रोक सकते हैं, बचा सकते हैं। मेरा ये बहुत क्लोज टू द हार्ट सब्जेक्ट है, क्योंकि एवरी लाइफ मैटर्स, हर एक जीवन महत्वपूर्ण है। हमको थोड़ा अवेयरनेस बढ़ाना चाहिए। तो मैं अभी सोच रहा हूँ मेंटल हेल्थ के ऊपर नया प्रोजेक्ट लो, खास करके डिप्रेशन एंड सुसाइड के ऊपर, और कौन सी बीमारियों में व्यक्ति सुसाइड करता है। ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये डे बाई डे टफ होते जाने वाला है। प्रोजेक्शन है इसके बारे में, माना WHO कह रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि इतना पढ़ाई करने के बाद अब परिस्थिति में हार क्यों मान लेते हैं? हार मानना नहीं चाहिए। तो मैं इसको कहता हूँ फेल्योर क्वेश्चन, हाउ स्ट्रांग यू आर ऑफ हैंडलिंग द फेल्योर। मुझे कई बार लगता है स्कूल कॉलेज में ये सिखाना चाहिए बचपन से ही, ये बचपन से ही सिखाना चाहिए। बच्चों को स्पोर्ट्स में विशेष डालना चाहिए, क्योंकि स्पोर्ट्स में ये बात स्पष्ट रूप से सामने आती है। अभी ये वर्ल्ड कप हुआ, लोग अभी तक उसमें से रिकवर नहीं हो रहे हैं, शॉक में से। क्यों भैया, क्यों रिकवर नहीं हो रहे? गेम है, गेम का आनंद जरूर लेना चाहिए, पर अभी दो लोग खेल रहे, एक जीतेगा एक हारेगा। तो स्पोर्ट्समैन को ये रिकवर सीख लेना चाहिए, कि स्पोर्ट्समैन ये सीख लेता है कि जिंदगी एक खेल है, कभी जीतेंगे कभी हारेंगे। तो हमको समान रहना चाहिए, लक्ष्य जीत का ही रखना चाहिए, लेकिन हार गए तो दैट इज नॉट द एंड ऑफ लाइफ। मैं बच्चों को एक कोट देता हूँ, बहुत फेमस कोट है, कोटेशन है, वाक्य है, कि अगर जिंदगी की किताब में एक पत्ता, पन्ना खराब निकलता है, तो आप पूरी किताब तो नहीं जलाओगे ना, उस पन्ने को फाड़ दोगे। ऐसे ही जीवन में अगर फेल्योर आता है तो हिम्मत नहीं हारना है। कोई आपको धोखा दे देता है, आपका नजदीक का रिश्तेदार, आपको कोई बड़ी बीमारी आती है, आपको फाइनेंशियल लॉस आता है, आपके संबंधों में तनाव है, आप किसी एग्जाम में फेल हो गए, अब ये सब जीवन के हिस्से हैं, परिस्थितियां हैं, इसमें डट के खड़ा रहना चाहिए, फिर से गेटअप हो जाना चाहिए। अपसेट के बारे में कहते हैं, गेट अप एंड सेट योर सेल्फ। तो आज बाबा ने यही बात मुरली में कही है कि बच्चे अपने बुद्धि का योग इधर उधर भटकाओ मत, क्योंकि मन बुद्धि को भटकाएगा, इमोशंस बुद्धि को भटकाएंगे। ख्वाहिशों के बाजार में हमें, इच्छाओं का बाजार लगा हुआ है चारों तरफ, और अगर आप मोबाइल और टीवी देखते हैं तो गए काम से। मैं अपने को बहुत भाग्यवान समझता हूँ कि मेरे पास टीवी नहीं है, और ना टीवी देखने का टाइम है, ना मैं यूट्यूब के ऊपर न्यूज़ वगैरह देखता हूँ। कई लोगों को ये भी होती है आदत, देर इज नथिंग रॉन्ग, आप अपने आप को अपडेट करो, लेकिन आप 10 मिनट आधा घंटा टीवी देखते हो, उसमें एडवर्टाइज कितना आता है, और वो कैसे प्रोग्राम कर रहा है आपके माइंड को, सोशल मीडिया हिप्नोटिज्म कैसे हो रहा है, ये अंदर गहराई में चले गए। तो हमको इसमें से अपने आप को बचाना है, और अपनी घोटना है तो नशा चढ़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है, मेरा फेवरेट है, क्योंकि मैं नशा मुक्ति में सेवा देता हूँ। मैं ये शराब पीने वालों से बहुत सीखा हूँ, आई गेट इंस्पायर्ड बाय दिस अल्कोहलिक। उसमें भी अटल बेवड़ा बोलते हैं, या अटल शराबी जो होता है,
अटल या अटल जो भी कहो आप, मराठी में अटल कहते हैं, हिंदी में अटल कहते हैं। हमारे माजी पंत प्रधान थे, उनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी। उनको एक बार संसद में पूछा गया, क्या आप अपनी बात पर अटल है? तो उन्होंने कहा, मैं अटल भी हूँ और बिहारी भी हूँ। तो ये शब्दों का खेल है। यहाँ पर हमको शराबियों से ये सीखना चाहिए कि जो अटल शराबी होते हैं, उनका जैसे ही नशा नीचे उतरता है, वो तुरंत अपनी तैयारी में जाते हैं, जेब में बॉटल पड़ा रहता है, जैसे ही नशा कम हुआ चढ़ा लेते हैं अपना नशा। कितना इंस्पायरिंग है। और हमारा नशा देखो, माया का एक पेपर आता है और हमारा नशा उतर जाता है। क्यों क्यों भैया? किसी ने कुछ बात कह दी और आपका मूड ऑफ हो गया। क्यों भैया? वो बात कहाँ चली गई? वो बात साइंस के हिसाब से देखा जाए तो आपके कर्णपटल पर पड़े, ईयर ड्रम पे, कर्णपटल से प्रकंपन चालू हुए और वो गए मस्तिष्क में, ऑडिटरी नर्व के द्वारा मस्तिष्क में जाकर एक एरिया है, वो एरिया उस बात का अर्थ इंटरप्रेट कर रहा है कि इसने मुझे ऐसा कहा, इसने मेरा अपमान किया, ये अर्थ को निकाल रहा है, ये मैं निकाल रहा हूं। और फिर वो बात अंदर चली गई और वो बात आपका मूड ऑफ कर रही है, नशा उतर गया, भूल गए कि हम भगवान के बच्चे हैं, भूल गए कि हम ज्ञानी तो आत्मा है। सब भूल जाते हैं जब माया का वार होता है। आज बाबा ने बाइबल का शब्द इस्तेमाल किया है। बाइबल में बहुत सारे शब्द हैं, कॉमन शब्द मैं लेना चाहूंगा। जैसे भारत में रावण कहते हैं, वैसे बाइबल में डेविल शब्द आया, डेविल माने रावण, और यहाँ पर वो लोग कहते हैं शैतान। तो शैतान, डेविल और रावण तीनों हैं। और ऐसे ही एक शब्द है घोस्ट। अभी घोस्ट शब्द का अर्थ होता है भूत। बहुत इंटरेस्टिंग है भूत। अभी भूत बोलते ही भूत शब्द के भी अलग अलग अर्थ है। अनफॉर्चुनेट है, इस समय जिनको संस्कृत नहीं आता है वो भूत माना ईविल सोल को भूत समझते हैं, क्योंकि उनकी छाया होती है। तो ईविल सोल या भटकने वाली आत्मा, उसको भूत कहते हैं। जबकि संस्कृत में पांच तत्वों को भी भूत कहा गया है। मुझे किसी ने रिमार्क दिया, रेशियल रिमार्क्स जैसे कहते हैं, बहुत अच्छी आत्मा, लेकिन मुझे कहा उन्होंने कि आप काले भूत हो क्योंकि स्किन का कलर डार्क है। मैं शांत हो गया। मैंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, इस समय सभी तत्व तमो प्रधान है, तो तमो प्रधान से शरीर बनेगा, वो भी तो काला ही होगा, भले स्किन की चमड़ी गोरी है लेकिन अंदर विकार है तो वो काला ही भूत हो गया। अगर आपके पास ज्ञान अच्छा है, ज्ञान की गहराई है और आप अर्थ सही लेते हैं, तो आप वहां पे इंसल्ट फील नहीं करेंगे। इंसल्ट फील करना ही नहीं चाहिए कभी भी। कितने सारे उदाहरण मैं दूं, सोक्रेटिस या सुकरात कहते हैं, सुकरात बहुत बड़ा फिलोसॉफर था। जैसे भारत में ये संत ज्ञानेश्वर या संत होके गए, वैसे ये ग्रीक का फिलोसॉफर सुकरात था। तो उसकी जो बीवी थी वो बहुत गुस्से वाली थी, क्योंकि ये दिन भर शिष्यों को लेकर भगवान की बातों के ऊपर चिंतन करता था, सुनाता रहता था। तो जब इसका वर्कशॉप चलता था परमात्मा के ऊपर, तो उसकी बीवी जोर जोर से गालियां देती थी। अभी गालियां सुन सुन के स्टूडेंट बहुत परेशान हो जाते थे, क्योंकि वो ऐसे शब्द इस्तेमाल करती थी। और फिर भी सुकरात के ऊपर कोई असर नहीं, सुकरात बिल्कुल शांत। आखिर में उसका गुस्सा बढ़ते गया और बढ़ते वाले गुस्से में उसने क्या किया, बकेट लिया पानी का और सुकरात के ऊपर डाल दिया। फिर भी सुकरात बिल्कुल शांत है। तो स्टूडेंट से रहा नहीं गया, उन्होंने कहा सर ये क्या हो रहा है? तो सुकरात ने कहा क्या हुआ, पहले बादल गरजते हैं फिर बाद में बारिश गिरती है, वही हुआ। तो ये है एटीट्यूड। ऐसे लोगों को आप कभी भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये अपने नशे में रहते हैं, अपनी घोट तो नशा चढ़े। तो
देखना चाहिए कि मेरा नशा उतरता कैसे है। भगवान मुरली के द्वारा नशा चढ़ाता है, योग के द्वारा नशा चढ़ाता है, लेकिन माया नशे को उतार देती है। माया घोस्ट, और वो है बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान, ईगो आ जाता है। परेशान होने के बहुत सारे कारण हैं। आज बाबा ने परेशानी का एक कारण बताया कि थोड़ी सी बीमारी हुई तो परेशान हो जाते हैं। अभी मुझे पिछले 5 दिन से वायरल फीवर है, आवाज़ भी बदला हुआ है, अभी गले को आराम भी नहीं दे सकते क्योंकि रोज 4 4 घंटा बोलना है, क्योंकि भारत से सभी लोग नशा मुक्ति का ट्रेनिंग के लिए आए हैं। अभी मैं क्या करूं, ना भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि पूरे भारत से आए हैं। तो दवाई लेके बाबा की याद में खड़े हो जाते हैं, बहुत दर्द होता है बॉडी में, इफेक्ट तो आता है शरीर के ऊपर, इफेक्ट आता है। परसों रात भर सोए नहीं, और सुबह अमृत वेले फिर 3:30 बजे जाके हॉस्पिटल या नज़दीक है तो नेबुलाइजेशन लिया, माना नाक के द्वारा, वो मशीन के द्वारा दवाई लेती है जिससे कि ब्रोंको डायलेशन होता है, माना आपके लंग्स में जो ब्रोंका है, नलिया है, उसको चौड़े करके, तो उसका थोड़ा स्वेलिंग कम हो जाता है अंदर का। लेकिन कई लोग बीमारी में परेशान हो जाते हैं, मित्र संबंधी याद पड़ते हैं। ये बाबा किसको कह रहा है, जो समर्पित भाई बहन है, जिनको मित्र संबंधी याद आते हैं तो परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कहते कोई मेरी सेवा करने के लिए नहीं, देखने वाला नहीं है, मैं ये इमोशंस को फील कर सकता हूँ। जो अकेले रहते हैं, जिनको देखने वाला कोई नहीं रहता, ये उनकी हालत है इस समय। क्या कहूँ, कितना कहूँ, मैं सोच रहा हूँ। एक बहुत बड़े डायरेक्टर, पति पत्नी दोनों सीनियर सिटीजन, बच्चे अमेरिका में सेटल है, अभी उन्होंने पूरे स्ट्रीट को कंट्रोल किया है। आप सोचो ऐसी आत्मा, लेकिन बूढ़े हो गए, क्या करे, देखने वाला कोई नहीं है। लास्ट स्टेज में वृद्धाश्रम में खुद को एडमिट करवा लिया, क्योंकि वृद्धाश्रम में देखने वाले होते हैं, कम से कम नर्सिंग केयर तो होती है। तो ये इस समय की, हम हिंदी में कहते हैं, करुण वास्तविकता है। परेशान नहीं होना है, मदद जरूर लेना है, क्योंकि आप अकेले कर नहीं सकते हैं। दर्द होगा, बीमारी माना दर्द होगा, लेकिन बाबा ने कहा दर्द में भी योग मदद करता है। अभी ऐसे समय योग लगना नहीं लगना बहुत मुश्किल होता है, तो हिम्मत नहीं हारना है, क्योंकि सबसे ज्यादा हिसाब किताब तो मम्मा और बाबा के हैं। बाबा ने आज मुरली में कहा, सबसे ज्यादा माता पिता दोनों को हिसाब किताब है, लेकिन वो योग के द्वारा, बाबा के शब्द है कि कर्म भोग के ऊपर कर्म योग की विजय। तो हमको मम्मा बाबा को फॉलो करना है, अपनी सहन शक्ति को थोड़ा बढ़ाना है। मैंने देखा हम सबकी सहन शक्ति अलग अलग है, किसी व्यक्ति को छोटी सी चोट लगी और पूरा घर वो सिर के ऊपर ले लेता है, बहुत चिल्लाता है, किसी का हाथ भी कटा है तो भी वो शांत रहता है, बिल्कुल चिल्लाता नहीं है, ऐसे लोग हमने देखे। डॉक्टर इस बात को समझ सकते हैं, तो ये सहन शक्ति के ऊपर होता है। हम सबकी सहन शक्ति कम ज्यादा होती है, अभ्यास से हमको सहन शक्ति को बढ़ाना है। तो ये सब परेशान करने वाली जो बातें आती है, मैं हमेशा कहता हूँ पॉज बटन को यूज करो, रिएक्ट नहीं करो, और छोटी बात को बड़ा नहीं करो, क्योंकि बड़ी बात को छोटा करना और छोटी बात को बड़ा करना हमारे हाथ में होता है। ओके, देर इज अ सिचुएशन। कुछ लोगों का मैंने वोकैबुलरी देखा है, उनका शब्दकोशी, जब परिस्थिति आती है तो कहते कितनी बड़ी बात हो गई, उनका संस्कार रहता है छोटी बात को बड़ा करना। और दूसरे होते हैं, ठीक है आई है बात, इतनी बड़ी है नहीं। तीसरा कहता है कोई बात ही नहीं है। तो ये सब हमारे दृष्टिकोण के ऊपर होता है। कहने का मेरा भाव है कि कोई परिस्थिति आई तो हिम्मत नहीं आना है, बाबा की याद में रहना है, ज्ञान की पॉइंट्स को रिवाइज करना है, सहन शक्ति को बढ़ाना है। दुनिया में आज रिद्धि सिद्धि वाले बहुत है। बाबा ने कहा, देखो कलयुग को बाबा ने नया नाम दिया, घोस्टों की दुनिया। यहाँ सब घोस्ट ही है, काम विकार रूपी घोस्ट दुख देता है, क्रोध का घोस्ट भी दुख देता है। घोस्ट शब्द बाइबल का है, राम राज्य में घोस्ट होता नहीं है, वहां सुख होता है।
चेक करना चाहिए कहीं मुझे घोस्ट ने पकड़ा तो नहीं है, जैसे किसी के अंदर भूत प्रवेश कर देता है तो उसकी हरकतें से पता चल जाता है कि इसके अंदर घोस्ट है करके। ऐसे ही ये माया रूपी घोष जिसमें प्रवेश करता है उसकी हरकतें भी ऐसे ही होती है। बाबा ने कहा अपनी घोट तो नशा चढ़े, तो मैं हमेशा होमवर्क देता हूँ कि ऐसे 10-15 वाक्य अपने पास होने चाहिए जो एक बार बुद्धि में चला जाए तो नशा चढ़ जाना चाहिए कि भगवान मेरे बगैर रह नहीं सकता है, स्वयं भगवान भाग्य विधाता बाप ने मेरा भाग्य लिखा है, मुझे क्या कमी है, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हूँ, सफलता मेरा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे नशे की बात ले जानी चाहिए और बीच बीच में ये नशा करते रहना चाहिए और उसमें स्थित होने की कोशिश करना। शुरुआत में नहीं होगा लेकिन अभ्यास से हम अपने आप को इसमें स्थित करते जाते हैं। बाबा ने कहा कि योग बल से दुख दूर होते हैं और बहुत खुशी में रहते हैं, लेकिन कारण क्या है? बाबा ने कहा बहुत बच्चे अपने को आत्मा समझते नहीं है, सारा दिन देह का ही ध्यान है। तो दुख का कारण बाबा ने कहा देह का ज्ञान है, ध्यान है। छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना चाहिए। आज बाबा ने कहा माताएं भी कुमारियां हैं। यहाँ आबू में एक मंदिर है जिसे कहते हैं अधर कुमारी का मंदिर, तो कुमार या बाबा ने कहा छोटे छोटे बच्चों को खड़ा करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे लौकिक पारलौकिक माता पिता का शोक करते हैं। कल एक भाई ने अनुभव सुनाया भोपाल में, तो भोपाल कॉरपोरेशन ने हमारी बहनों को कहा कि आप नशा मुक्ति की सेवा करते हैं, आप हमारे ऑफिस के लोगों का नशा छुड़ाओ। अभी बहनों ने चैलेंज स्वीकार किया। बहनों ने क्या किया, छोटे छोटे बच्चों को तैयार किया एंजल के फॉर्म में और वो एंजल घुस गए ऑफिस में और हर एक को बताया कि मैं भगवान का फरिश्ता हूँ, मैं आपका दुख दूर करने के लिए आया हूँ। बहुत हाथ जोड़ के नम्रता से उन छोटे बच्चों ने नशे का दान मांगा। तो ये भी क्रिएटिविटी है, अलग तरीके से नशा छुड़ाना है। मुझे याद आ रहा है राजस्थान के एक डिस्ट्रिक्ट में है हनुमानगढ़ शायद, वहाँ पे एक बच्ची ने जिसका नाम कशिश था अपने पिता को लेटर लिखा। वो कारपेंटर थे, बीड़ी पीते थे, तो उसने इमोशनल लेटर लिखा कि पापा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करती हूँ, पापा मैं बड़ी होके आपके सभी सपनों को पूरा करने वाली हूँ, लेकिन पापा मुझे दुख होगा क्योंकि जब मैं आपके सपने पूरे करूँगी तब वो देखने के लिए आप नहीं होंगे, इसलिए प्लीज़ पापा मेरे लिए आप बीड़ी छोड़ दो। ऐसा इमोशनल लेटर लिखा, वो लेटर पढ़ के उसके पिता ने बीड़ी पीना छोड़ दिया। तो ये छोटे छोटे बच्चे कमाल कर सकते हैं। बाबा ने कहा कई में बहुत मोह होता है, बच्चों में या बहनों में मोह होता है तो घर वाले लोग याद आते हैं ये भी एक भूत है, तो देखना चाहिए हमारे अंदर भूत तो नहीं है। आज बाबा ने और एक बात याद की है, वो है ना रूप बसंत, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, मैं इसके ऊपर 1.5 मिनट लूंगा कि पावरफुल ब्रेक का काम है, जहां लगाओ वहां लगे। आप गाड़ी चला रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं सामने लोग आ रहे हैं, अचानक गाड़ी आए, आपकी गाड़ी ब्रेक लगाते उधर ही रुक जानी चाहिए। अगर आपने ब्रेक यहाँ लगाया और आगे जाके लगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। ऐसा ही एक्सीडेंट हमारे अंदर भी होता है, हमारे बहुत संकल्प चल रहे हैं कुछ कारणवश, तो चेक करना चाहिए मेरा ब्रेक पावरफुल है, ये बुद्धि ब्रेक है, बुद्धि मन को स्टॉप कर सकती है, स्टॉप बोला तो स्टॉप हो जाए। बाबा ने आज का जिस विधि से जहां मन बुद्धि को लगाना चाहे वहां लग जाए, ऐसे कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर होना चाहिए। ऐसे बाबा के बच्चे जो स्व के ऊपर शासन करते हैं, स्व शासक कहते हैं उसको, शासन करना माना चलाना मालिक बन के, तो जिस समय चाहे रूप बन जाए, जिस समय चाहे बसंत बन जाए, दोनों स्थिति में सेकंड में बन सकते हैं। तो बाबा ने कहा जब चाहे ज्ञान सुनाए, जब चाहे शांत स्वरूप होके बैठ जाए। ऐसे नहीं हो कि आप योग करने बैठे और ज्ञान की बातें अंदर चलती रहे, वो नहीं होना चाहिए क्योंकि पावर जमा नहीं होंगी। ऐसे बच्चे शांति दूत बनते हैं और तूफान मचाने वालों को भी शांति का तोहफा देते हैं। कल्प कल्प की बाजी है,
इसको किसी भी हालत में गवाना नहीं है, ज्ञान की टिकलू टिकलू करनी है। ये शब्द मुझे बहुत पसंद है, टिकलू टिकलू। जैसे वो बुलबुल टिकलू टिकलू करते हैं, ऐसे हम भी बाबा के बच्चे ज्ञान की बुलबुल है, टिकलू टिकलू करते रहना चाहिए और लौकिक पारलौकिक मात पिता का शो करना है। तो आज के पूरे दिन भर में टेक होम है कि मेरा नशा कैसे, मैं अपने को नशे में रखूं, रूहानी नशे में, स्थूल नशा नहीं है। कौन सी पॉइंट मुझे नशा देती है और कौन से कारण है जिससे मेरा नशा उतर जाता है? क्या मैं ज्ञान की टिकलू टिकलू करती हूँ? क्या मैं समय प्रमाण रूप बसंत बनती हूँ? सेकंड में स्टॉप कहा तो स्टॉप हो जाए? क्या मैं श्वासक हूँ और क्या मैं शांति का दूत हूँ? अगर नहीं है तो इसके ऊपर अटेंशन देके इसको पक्का करना है। अच्छा, ओम शांति।